अच्छा क्लास, हमने प्रीवियसली जो पढ़े थे वो हमने अटैक्स और वल्नरेबिलिटी देखी थी जो हमारे यूएसए लेयर पे हैं, नेटवर्क लेवल पे हैं। तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें एक्चुअल में हमने कुछ सॉल्यूशंस देने हैं, वो वाले सॉल्यूशंस जो कि प्रीवियस वल्नरेबिलिटीज थी हमारी उनको टैकल करने के लिए, कि हम उन वल्नरेबिलिटीज को कैसे टैकल करते हैं या मजीद कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज। ठीक है, और उसका नाम है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है इसको हम इंडिविजुअली दोनों को लेके चलेंगे। पहले हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे और फिर हम एसिमेट्रिक पे मूव हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका जो है वो नीड देखेंगे कि हमें नीड क्यों है क्रिप्टोग्राफी की, हमें जरूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे कि इसका रोल क्या है एवरीडे में, जो हमारे पास इसका यूज क्या है क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, फिर हम जो पहले वाली हमारी टाइप स्टार्ट करेंगे जो कि है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो फिर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है इसको हमने डिस्क्राइब करना है, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और एट द एंड जो हमारे पास है वो इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें भी हमारी स्कीम यही वाली फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कुछ एग्जांपल्स को, और फिर इसकी लिमिटेशंस वगैरह को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम मोटिवेशन को देख लेते हैं कि इसके लिए मोटिवेशन क्या है क्रिप्टोग्राफी की, विद एग्जांपल्स के तौर पे ले सकते हैं हम। तो मोटिवेशन हमारे पास ये है कि टू कम्युनिकेट सीक्रेट इंफॉर्मेशन व्हेन अदर पीपल आर लिसनिंग, यानी जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी पब्लिक चैनल के थ्रू। अब ये जो आपका इंटरनेट है इसको पब्लिक चैनल कंसिडर करते हैं ना, कि इसमें आपकी जो डेटा है वो पब्लिकली जा रहा होता है, कोई मैन इन द मिडल अटैक उस पर लॉन्च हो सकता है। तो फिर जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है उसको अकम्प्लिश करने के लिए एक तो इसका ये रोल है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब अटैकर जो है, व्हेन द अटैकर हैज एक्सेस टू रॉ बिट्स रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो हमारा डेटा ओवर द पब्लिक लाइंस या इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है वो एट द एंड क्या है, वो बिट्स ही है ना हमारे पास, डिफरेंट तरह की रॉ फॉर्म में वो बिट्स है, बिट्स की फॉर्म में डेटा है। तो वो अगर जो कोई अटैकर है उसके पास अगर रॉ बिट्स अवेलेबल है तो वो यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक उसको क्या कर सकता है, उसको उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मिटिगेशन क्या है, डेटा इनक्रिप्शन, कि हम डेटा को क्या करें अपने उस डेटा को, उसका मिटिगेशन का मतलब है कि उसका हल क्या है, उसका मतलब है कि उसका हल है डेटा इनक्रिप्शन, हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर लें। ठीक है, अच्छा अब इनक्रिप्ट करने के लिए डेटा को, ये अगर हमारे पास डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में है तो उसको हम इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते। ठीक हो गया, सिंपल सी एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे पास चार करेक्टर्स हैं, एक एलिस है, एक बॉब है, एक एबी है और एक मेलरे है। ये चार करेक्टर एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ये चारों करेक्टर में क्या है, ये जो एलिस एंड बॉब है ये दो कम्युनिकेटर हैं जो कि थ्रू पब्लिक चैनल कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ईव और मेलरी हैं, ये दो क्या क्या हैं, इंट्रूडर्स हैं या फिर अटैकर्स हैं, और इन दोनों की कैटेगरीज हैं। उनमें से जो ईव है ये एविस्ट्रॉपर है, ठीक है, ये पैसिव इंट्रूडर है जो मैसेजेस को स्निफ करता है, और वो भी एट विल, यानी कॉन्स्टेंटली नहीं करता, कभी कभी ये क्या करता है, जो मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं इन दोनों के दरमियान उनको ये स्निफ करता है। स्निफिंग का मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। और जो मेलरी है वो क्या है, वो एक एक्टिव इंट्रूडर्स है, यानी एक्टिव अटैकर है। वो क्या कर रहा है, उसका काम ये है कि जो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है उसको वो व्यू करता है, आल्टर भी करता है, और जब दिल करता है उसको डिलीट भी करता है, या फिर जो मैसेजेस नेटवर्क में जा रहे हैं उनके अंदर कोई अपने पास से मैसेज भी इंजेक्ट कर देता है। ये मेजर डेफिनेशन भी इसी पे है हमारे पास, एक्टिव अटैक की और पैसिव अटैक की। तो ये चार करेक्टर्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास इश्यू क्या है कि इन दोनों की जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस कम्युनिकेशन को हमने मोस्ट सिक्योर बनाना है। हमने ऐसे मेथड्स यूज करने हैं, ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है कि इनकी कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि प्रॉब्लम सबसे पहले यह थी कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर कैसे करना है। जो एलिस है और जो बॉब है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करना चाह रहे हैं ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, सच एज इंटरनेट। इंटरनेट जो है ये पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी जो है वो उसकी एक्सेस है इसके पास। अच्छा, अब उन्होंने करना क्या, इन सच अ वे दैट इंफॉर्मेशन कंटेंट्स आर नॉट रिवील्ड टू एनीवन बट द इंटेंडेड रिसेपियंट। अब उन्होंने क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेक श्योर करना है। कैसे मेक श्योर करना है कि ये जो ईव है और जो मेलरी है, ये इस तरह के जो अटैकर हैं, यानी एक्टिव और पैसिव, वो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को रीड आउट ना कर सकें, ना रीड कर सकें उसको, ना उसको डिलीट कर सकें, और ना उसको आल्टर कर सकें। ठीक हो गया। तो इसका सलूशन फिर हमें कहाँ पे, अगेन कहाँ पे मिलेगा, डेटा इंक्रिप्शन पे।